नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हम आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र। जो आज का यह टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए पारिस्थितिक तंत्र याद हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में कंफ्यूजन क्या होता है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा दोस्तों मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन, किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में तो है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों। क्या आती है? बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि इधर आप देखिए दोस्तों, एक तो ये मैं बोलू पर्यावरण क्या होता है, एक तो मैं बोलू पर्यावरण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण क्या होता है। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है पारिस्थितिक पारिस्थितिक पारिस्थिति पारिस्थिति तंत्र, ठीक है दोस्तों, इसी को पारितंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है शब्द पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है? कंफ्यूजन अगर यही दूर कर लोगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा दोस्तों। पर्यावरण मतलब क्या होता है? पर्यावरण मतलब होता है हमारे चारों ओर का, हमारे चारों तरफ। बस इतना याद कर लो, आप रट लो इसको, छाप लो दोस्तों दिमाग के अंदर कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारा पर्यावरण है, ठीक है। जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। चारों तरफ देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल है, ठीक है, रोड है, लोग हैं, गाय है, भैंस है, पानी है, भट्टे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये पर्यावरण में आ रहे हैं हमारे, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है ना उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब ये पारिस्थितिक तंत्र, ये वाली बात तो आ गई आपको समझ में। अब ये पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है देखिए आप ध्यानपूर्वक, जीव जीव और उसके आवास आवास से जो तंत्र बनता है ना दोस्तों, उस तंत्र को ही क्या बोलते हैं? उस तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जीव क्या होते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, सारे के सारे क्या है दोस्तों? जीव है। आप में भी क्या है? जीव है। जो भी जनन कर सकते हैं, जिनमें उपापचय होता है, वो सारे जीव कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जीवाणु, ये सब क्या होते हैं? जीव होते हैं दोस्तों। जीव कहां रहते हैं? किसी ना किसी आवास में रहते हैं दोस्तों। जैसे अभी देखो, मैं एक जीव हूं और मैं इस कमरे में हूं। अभी ये मेरा, ये जो ये कमरा है ना दोस्तों, ये जो रूम है, ये मेरा आवास है, ठीक है। तो मैं जीव हो गया, ये कमरा मेरा आवास हो गया, और ये मैं और ये मेरा कमरा दोनों मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं, जिसे क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से इसे देखना दोस्तों, एक मछली है। अब बताओ मछली जीव है या नहीं है? मछली जीव है। मछली रह रही है, माना कि आना सागर के तालाब के अंदर या किसी भी तालाब के अंदर कोई मछली रहती है। अब बताओ मछली जीव है या नहीं है? मछली जीव है दोस्तों। जो तालाब है वो बताओ क्या हो गया? वो तालाब क्या हो गया? उसका आवास हो गया। उस मछली का क्या हो गया? आवास हो गया। तो मछली और उस जिसमें वो रह रही है, वो तालाब यानी कि वो आवास, दोनों मिलकर एक तंत्र बना रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। क्या है दोस्तों? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगर जिसको यहां सब कुछ समझ में आ गया उसको समझ लो, हमेशा के लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करता हूं दोस्तों मैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। किसी जीव और उसके आवास को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों, मैं आपको उदाहरण द्वारा बता दूंगा। इधर आप देखिए, जैसे एक मछली है दोस्तों,
एक मछली या एक मछला है, ठीक है ना, वो कहां रहते हैं, किसी तालाब में रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, किसी, ये मछली रहती है किसी तालाब में, देखो ये किसी तालाब में रहती है। अब बताओ दोस्तों, ये मछली तो क्या हो गई, जीव हो गई, और ये जो तालाब है ये उसका आवास हो गया, उसका घर हो गया। आई बात आपको समझ में? और इन दोनों की क्रिया से, मछली और तालाब की दोनों की क्रिया से जो एक तंत्र बन रहा है ना दोस्तों, इस तंत्र को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैविक और अजैविक कारकों के बीच में संबंध से बना तंत्र ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब बताओ बेटा, खुद बताओ आप, ये जो जीव है, बताओ ये जैविक घटक है या नहीं है, जैविक घटक है। जीव का मतलब क्या हो गया, कोई पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली, ये सब जीवी तो है, और इनको अपन जैविक घटक भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, तालाब के अंदर क्या है, पानी है या नहीं है। अब बताओ, पानी जीवित होता है या निर्जीव होता है, निर्जीव होता है, अजैविक होता है। जैसे मैं इस कमरे में रह रहा हूं, मैं जीव हूं, मैं जैविक घटक हूं पारिस्थितिक तंत्र का, लेकिन ये दीवारें तो पत्थरों से बनी है ना, अब पत्थर क्या सजीव होते हैं क्या, नहीं। ये जो दीवारें बनी हुई है इस रूम की, वो अजैविक घटक आएगी दोस्तों। मेरे चारों तरफ हवा भी तो है, मैं सांस ले रहा हूं, मैं तो जीव हो गया, मैं जैविक घटक हो गया पारिस्थितिक तंत्र का, लेकिन जिस गैस को मैं ले रहा हूं, वो जो गैस है दोस्तों मेरे चारों तरफ, वो सारी की सारी कौन सा हो गया, वो अजैविक घटक हो गया। तो जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं, जो कारक होते हैं दोस्तों, जो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं या जो कारक होते हैं दोस्तों, उनके बीच में संबंध से जो तंत्र बनता है उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। शॉर्ट में पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोल सकते हैं, पारितंत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। अब इस पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, इको सिस्टम भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण को तो एनवायरमेंट कहते हैं दोस्तों, वातावरण को एटमॉस्फेयर कहते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं दोस्तों। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के सर आर्थर टेंसले ने 1935 में किया था। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था या इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तो 1935 के अंदर सर आर्थर टेंसले ने दोस्तों किसका नाम दिया था, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का नाम या शब्द दिया था। टेंसले ने क्या बताया, वही वाली बात बताती, टेंसले ने क्या बोला बताया, टेंसले के अनुसार देखो दोस्तों, टेंसले के अनुसार वातावरण के जैविक और अजैविक कारकों को दोस्तों घटक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घटक भी बोल सकते हैं। तो भैया वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों या कारकों के एकीकरण से दोनों मिलकर जो तंत्र बनता है उस तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, जैविक वातावरण में जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक क्या है, जिसे पेड़ पौधे हिरण गाय भैंस कुत्ता बिल्ली लोयन टाइगर सारे के सारे क्या है, जैविक घटक है। अब ये सब रहते कहां है, मिट्टी में रहते हैं, सीधी सी बात है, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, पहाड़ पर रहते हैं। तो पहाड़ मिट्टी पानी हवा सारे के सारे क्या है, अजैविक घटक है। अब बताओ जीव और उसके आवास के बीच में एकीकरण होता है नहीं होता है, होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एकीकरण से एक तंत्र बन रहा है, जिसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब मैं आपको कुछ पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, देखो अभी भी रट लो, देर नहीं हुई है। जीव और उसके आवास से बना तंत्र ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, कुछ पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वह होता है जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, जो प्रकृति में अपने आप ही बन जाता है, ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब देखो बेटा, खुद सुनना, एक मेरा किसान भाई है, जैसे एक मेरा दोस्त है कोई किसान भाई, वो गया, उसने क्या करा, पहले एक मैदान बनाया, जंगल को काट के क्या बनाया उसने, एक मैदान बनाया। अब ये मैदान क्या है दोस्तों, मैदान में मिट्टी है, मैदान में पानी भी है, हवा भी है, सारे के सारा कौन सा घटक हो गया, अजैविक घटक हो गया या अजैविक कारक हो गया।
अब उसने उस मैदान में बीज डाल दिए, उन बीज से पौधे उग गए, फसल उग गई। तो जो वो फसल है वो जैविक घटक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के एकीकरण से क्या बन गया, एक पारिस्थितिक तंत्र बन गया। और उसका उदाहरण क्या है दोस्तों, खेत है। खेत में जो खेत होता है दोस्तों, उसको भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जा रहा है, और खेत में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वो भी मनुष्य के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, खेत एक तरह का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। उद्यान हो गया दोस्तों, गार्डन होता है। कई लोगों के घरों में गार्डन होते हैं, कई पार्क होते हैं, आपने देखा होगा ना, वहां पर एक जो होता है वहां पे ध्यान रखने वाला, वो घास उगाता रहता है और अच्छे अच्छे गुलाब के फूल और अच्छे अच्छे फूलों वाले पेड़ लगा देता है वहां पर, ठीक है। तो जो उद्यान है वो भी कैसा पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है। इसी प्रकार से दोस्तों जल जीवशाला हो गई, इसको एक्वेरियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, एक्वेरियम भी कहते हैं दोस्तों, या फिश टैंक बोल सकते हैं। जो फिश टैंक है या जो एक्वेरियम हो गया दोस्तों, वो किसका उदाहरण हो गया, जल जीवशाला भी कहते हैं इसको हिंदी में। और ये एक्वेरियम किसका उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको भी अपन आवास के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं भैया। जीव और उसके आवास को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आवास कितने प्रकार का होता है, अरे क्या जलीय आवास नहीं होता है क्या, होता है, मछलियां जल में रहती है। क्या स्थलीय आवास नहीं होता है क्या, होता है, अपन रहने ना जमीन पर, अपन भी तो जीव है मेरे दोस्तों, तो ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया आवास के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र जमीन पर पाया जाता है उसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और जो जल में पाया जाता है उसको जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब भैया स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कौन सा वाला, प्राकृतिक वाला बताना है। जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र, जंगल होते हैं भैया कई जगह, क्या जंगल क्या हम बना रहे हैं क्या, नहीं, प्रकृति के द्वारा निर्मित है जंगल। और जंगल किस, अब बताओ, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल में नदियां होती है, और जंगल में तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली लोमड़ी वगैरह सब वहां पर पाए जाते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र कैसा हो, किसका उदाहरण हो गया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र है वो भी किसका उदाहरण है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार से मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जैसलमेर जोधपुर का जो एरिया है वो डेजर्ट में आ जाता है। हमारे राजस्थान में 50% से भी ज्यादा भाग के अंदर मरुस्थल है दोस्तों, और जो मरुस्थल है वो किसका उदाहरण है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अब भैया जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जल के प्रकार के आधार पर, कि भैया जल है कैसा, बहता हुआ जल है या रुका हुआ जल है, या मीठा जल है या खारा जल है दोस्तों, इसके आधार पर भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित किया गया है दोस्तों, आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो जल के प्रकार के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो अलवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो भैया ऐसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिसके जल में नमक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नमक नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। और स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब स्वच्छ का मतलब यही नहीं कि आरओ से फिल्टर करके आ रहा है उसमें पानी, ऐसा नहीं है। स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जहां पर जो जल है वो अलवणीय होगा, मतलब उसमें जो साल्ट वगैरह पाए जा रहे हैं MgCl2 या NaCl जो भी है वो बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला तो कौन सा हो गया, अलवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जिसे स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, और दूसरा हो गया दोस्तों लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब लवण जलीय के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सीधी सी बात है, समुद्र हो गया अपने, क्या हो गए यहां पर, समुद्र हो गए दोस्तों, ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब इसमें भी क्या हो गया, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ज्वार नद मुख पारिस्थितिक तंत्र। ये ज्वार नद मुख वह क्षेत्र होते हैं जो जैसे नदियों और समुद्रों के आसपास के एरिया को ज्वार नदमुख कहते हैं।
कई बार समुद्रों में नदियां गिरती है, वहां का भी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, आप तो बस इतने याद कर लेना कि लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो गया समुद्र, ठीक है दोस्तों। और अब जो अलवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो भी जल की अवस्था के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो प्रवाहित जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा हो गया स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र। प्रवाहित जलीय पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जबकि स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को दोस्तों लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब ये जल की अवस्था, भैया जो मीठा जल होता है, जो स्वच्छ जल होता है, वो क्या तालाब में नहीं होता है? तालाब में भी होता है। तालाब का पानी बहता है या स्थिर रहता है? स्थिर रहता है। क्या भैया स्वच्छ जल या मीठा जल नदियों में नहीं होता है? होता है, लेकिन नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है। तो भैया जो प्रवाहित जलीय, जो प्रवाहित स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया उसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे नदियां हो गई भैया, नदियों का पानी बहता रहता है। झरने हो गए भैया, झरनों का पानी बहता रहता है। नाले हो गए, छोटे मोटे नालों का पानी बहता रहता है। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों जो स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कौन कौन से उदाहरण हो गए? जैसे कि झील हो गई दोस्तों, आना सागर झील, तार छापर झील, तरह तरह की झील, ठीक है। तालाब हो गए दोस्तों, ये तालाब वो तालाब, ठीक है, तालाब हो गए, सरोवर भी बोल सकते हैं इसे, पोखर हो गए, कुंड हो गए, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे किसके उदाहरण है दोस्तों? स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। अब आप देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बताना चाहूंगा। किसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको? पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बताना चाहूंगा। तो भैया पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं यहां पर आपको बताने से पहले एक सेकेंड थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन वापस। पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई जीव होता है और उसका आवास होता है, ठीक है भैया। तो जीव का मतलब जैविक घटक, आवास मतलब अजैविक घटक, क्योंकि भाटे से, पानी से, मिट्टी से, हवा से मिलकर ही क्या बनता? आवास बनता है। सारी की सारी चीजें दोस्तों क्या है? सारी की सारी चीजें अजैविक है दोस्तों। पारितंत्र की संरचना के दो मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, कौन से होते हैं ये? जैविक घटक और अजैविक घटक। इसको सजीव घटक भी बोल सकते हैं और जो अजैविक घटक है दोस्तों उसको निर्जीव घटक भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, या इसको अपन जैवीय घटक भी कह सकते हैं और जो निर्जीव वाला उसको अजैविक घटक भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, आप तो बस इतना याद कर लेना कि पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जीव आते हैं, अजैविक घटक में आवास आता है दोस्तों। अब जीव भी तो तरह तरह के, कुछ जीव ऐसे होते हैं हमारी धरती पर जो अपना खाना किसी से नहीं लेते हैं, किसी से अपना भोजन नहीं लेते हैं, बल्कि वो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, क्या किसी पेड़ को आपने देखा क्या कि थैला लेके जा रहा है कि भैया आज आम खाने की इच्छा हो रही है, आम लेके आऊंगा? देखा किसी पेड़ को? क्या किसी पेड़ को आपने कभी टिकिया खाते हुए देखा कहीं पे? क्या किसी पेड़ को आपने किसी का शिकार करते हुए देखा? नहीं। पेड़ पौधे बिल्कुल क्या है भैया? सज्जन होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम हमारा भोजन सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खुद ही बना लेंगे। पेड़ पौधों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है और उस हरे रंग के पदार्थ के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को दोस्तों अपन उत्पादक कहते हैं, या अपन ये भी कह सकते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो भैया जो जैविक घटक में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वो क्या हो गया? उत्पादक, जिन्हें स्वपोषी पौधे भी कहते हैं। और भैया दूसरे हो गए हमारे जैसे उपभोक्ता, ठीक है। क्या हम हमारा भोजन खुद बनाते हैं? नहीं, हम तो केवल हमारे भोजन के टेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं मसाले वगैरह डाल के। पौधे बनाते हैं भोजन दोस्तों। हम हैं उपभोक्ता, ठीक है, पौधे हैं उत्पादक। जैसे बिल्ली है, बिल्ली चूहे को खा रही है, अपना भोजन दूसरे से ले रही है, बिल्ली भी दोस्तों क्या उपभोक्ता है। चूहा अपना भोजन किसी गेहूं को खा गया, मक्के को खा गया, बाजरे को खा गया, कपड़े को खा गया किसी को, तो दोस्तों चूहा भी क्या हो गया? चूहा भी उपभोक्ता है। तो पेड़ को छोड़कर जितने भी जो जीव होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो भैया जैविक घटक में दो चीजें याद रखना,
उत्पादक और उपभोक्ता। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये उपभोक्ता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, वृहद या गुरु उपभोक्ता और दूसरे होते हैं अपघटक या लघु उपभोक्ता या सूक्ष्म उपभोक्ता। दोस्तों वृहद या गुरु उपभोक्ता क्या होते हैं? वृहद या गुरु उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि बड़े आकार के होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं शेर है, शेर डायरेक्ट हिरण को मार के खा जाता है, किसका उदाहरण हो गया? गुरु उपभोक्ता का उदाहरण हो गया। दोस्तों हिरण हो गया, हिरण घास को खा जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को खा जाता है, हिरण बड़े आकार का होता है, हिरण कौन सा हो गया? गुरु उपभोक्ता हो गया दोस्तों। जबकि अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे कि कोई जीवाणु हो गया, कोई कवक हो गया दोस्तों, कोई वायरस हो गया, कोई कोई फंग कोई कवक हो गया दोस्तों। तो जीवाणु कवक वायरस आदि किसके उदाहरण हो गए? लघु उपभोक्ताओं के या अपघटक के या सूक्ष्म उपभोक्ताओं के उदाहरण हो गए दोस्तों। जैसे शेर मर गया तो शेर की बॉडी पर बहुत सारी कवक आ जाएगी, जीवाणु आ जाएंगे और वो जीवाणु और कवक शेर की बॉडी को पूरा सड़ा देंगे, गला देंगे और जब उसकी बॉडी पूरी एक तरल में परिवर्तित हो जाएगी तो वो जीवाणु या कवक उस शेर के शरीर से बने हुए उस तरल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पी लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो भैया कैसे उपभोक्ता हो गए? अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता हो गए। और ये अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता मुख्यतया मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पारितंत्र का जो दूसरा घटक है वो है अजैविक घटक, इसे निर्जीव घटक भी कह सकते हैं या अजैवीय घटक भी कह सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये अजैवीय घटक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक। दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखते हैं ना अकार्बनिक पदार्थों में कौन आ गया? सोडियम पोटेशियम आदि, सोडियम पोटेशियम आदि। इसी प्रकार से दोस्तों कार्बनिक पदार्थों में कौन आ गया? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन आदि हो गए दोस्तों। जलवायवीय कारक में कौन आ गया दोस्तों? तापमान हो गया, पीएच हो गया, आर्द्रता हो गई दोस्तों, मिट्टी हो गई दोस्तों, हवाएं हो गई दोस्तों, सारे के सारे किसके उदाहरण है? जलवायवीय कारकों के उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यद्यपि पारितंत्र के ये संरचनात्मक घटक अविभाज्य होते हैं दोस्तों, वैसे तो ये सारे के सारे मिक्स रहते हैं, सारे के सारे कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए इनको यहां पर अलग अलग विभाजित करके आपको पढ़ाया जाएगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें पृथक पृथक रखा जाता है। जैसे कि आप देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जैविक या जैवीय घटक के बारे में देखेंगे और इसमें सीधा से सिंपल से लिख देता हूं, जीवों के बारे में पढ़ेंगे। भैया पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जीव और उसके आवास से बना तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जीव मतलब जैविक घटक, आवास मतलब अजैविक घटक। जीव मतलब कौन हो गए भैया? जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जो उनसे भोजन लेते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप देखिए जैविक घटक, जैविक घटक को जैवीय घटक भी कहते हैं दोस्तों, और इसमें सभी जीवों को रखा जाता है दोस्तों। किसको रखा जाता है? सभी जीवों को किसमें रखा गया है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में रखा गया है, ठीक है। जीव क्या रहते हैं दोस्तों? प्रकृति में समुदाय बनाकर रहते हैं दोस्तों। आज आप देखेंगे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो साथ, जैसे कोरोना आ गया था तो सारे इंसान एक हो गए थे दोस्तों, क्या इंसान समुदाय बनाकर नहीं रहते? रहते हैं दोस्तों। क्या कोरोना वायरस क्या समुदाय बनाकर अटैक नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या बैक्टीरिया समुदाय बनाकर नहीं रहते? रहते हैं। गायें भी आपने देखा होगा झुंड बनाकर कहीं पर रोड पर बैठ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो जीव जो होते हैं वो समुदाय बनाकर रहते हैं दोस्तों। आपको पता है कि जो जीवों की जो समुदाय होते हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से अंतर संबंधित होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आप देखिए किसी के पास में 10 गाय हैं, तो बताओ बेट तो बताओ दोस्तों वो जो 10 गायों का एक समूह हो गया या नहीं हो गया? हो गया, एक समुदाय हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अब बताए गायों का दूध लोग पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं? ये लोग का अलग समुदाय है। जैसे मैं बोलूं कि राजेश ने 10 गायें पाल रखी है, राजेश उन गायों का दूध निकालता है, खुद भी पीता है, दूसरों को भी पिलाता है। अब बताओ राजेश तो इंसान है, गाय एक अलग जाति है, गाय का अलग समुदाय है, गाय अलग जीव है, इंसान अलग जीव है, लेकिन दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि आप देखेंगे पेड़ एक अलग समुदाय है, हिरण एक अलग समुदाय है, लेकिन दोस्तों फिर भी हिरण पेड़ को खा जाता है। तो क्या दोनों समुदाय में संबंध हुआ है? नहीं हुआ। हुआ। हिरण एक अलग समुदाय है, शेर का अलग समुदाय है, लेकिन शेर को जब भूख लगती है तो वो हिरणों को खा जाता है, नहीं खा जाता है? खा जाता है। तो सभी के सभी समुदाय आपस में क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे से संबंधित
होते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों जिनका नाम है लिंडमैन। क्या नाम है दोस्तों? लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं और लिंडमैन 1942 के अनुसार सभी जीवों के परस्पर अंतर संबंधों का प्रमुख आधार भोजन है। भैया इस धरती पर जो भी जीव पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए भैया इस पापी पेट के लिए, भूख के कारण, भोजन के कारण ही सभी जीव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अतः उन्होंने पोषक गति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पोषक गति की अवधारणा का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा पेड़ पौधों में आती है, पेड़ पौधों को जब हिरण खा जाते हैं या कोई खरगोश या कोई गाय खा जाती है तो पेड़ पौधों से वो ऊर्जा उन शाकाहारी जानवरों में आ जाती है, मतलब उन गाय भैंस में आ जाती है, हिरण में आ जाती है। जब उनको कोई भेड़िया या शेर खाता है तो यह जो ऊर्जा है वो उन गाय भैंस हिरण से उस शेर में चल जाती है या भेड़िए में चल जाती है। तो जो पोषक पदार्थ है वो गति कर रहे हैं। एक सबसे पहले पोषक पदार्थ कहाँ है दोस्तों? उत्पादकों में आए, फिर उपभोक्ता में गए, फिर अगले उपभोक्ता में गए। तो किसने बताया दोस्तों? लिंडमैन ने 1942 के अनुसार जीवों के बीच में अंतर संबंधों का मुख्य आधार किसे कहा है? भोजन को कहा है दोस्तों। इन्होंने पोषक गति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पोष स्तर की दृष्टि से जीवों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। मैंने बताया था आपको कि भैया जो जैविक घटक है इसमें रखा जाता है जीवों को, जीवों को पोष स्तर के आधार पर, भोजन के आधार पर दो ग्रुपों में बांट दिया। पहले प्रकार के जो जीव है वो होते हैं उत्पादक या स्वपोषी, जो अपना भोजन किसी से नहीं लेते हैं बल्कि खुद ही बना लेते हैं सूर्य की रोशनी का उपयोग करके। दूसरे होते हैं उपभोक्ता या विषमपोषी जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा और यहां पर क्या बताया गया है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। एक पारितंत्र के विभिन्न घटक और उनके पारस्परिक संबंधों को मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखिए, जैसे यहां पर आप देखिए हरे पादप है दोस्तों। क्या है दोस्तों? हरे पादप है। हरे पादप क्या कर रहे हैं? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिर रहा है और उस प्रकाश को कौन ग्रहण कर रहा है? हरे पादप। और दोस्तों जो हरे पादप हैं, हरे पादप क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना रहे हैं। अब इन हरे पादपों को कौन खा रहा है? कोई शाकाहारी खा रहा है। शाकाहारी मतलब कोई गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरण है, ये सारे के सारे शाकाहारी है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? ठीक है। अब अगर ये शाकाहारी जानवर मर जाए, अगर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली अपने आप ही मर जाए तो उनके शरीर पर कौन आ जाएंगे? परजीवी आ जाएंगे। ठीक है। तो देखो परजीवी तो मृत पे भी रह सकते हैं, जीवित पे भी रह सकते हैं। आप तो ये देखें कि सूर्य की ऊर्जा हरे पादपों को मिल रही है, हरे पादपों को जो जानवर खा रहे हैं जैसे गाय भैंस हिरण खरगोश, ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारियों के शरीर पर परजीवी होते हैं, जुए नहीं होती उनके शरीर पर, होती है। ठीक है दोस्तों। तो देखो ऊर्जा सूर्य से हरे पादप में आई, हरे पादप से शाकाहारी में गई, शाकाहारी से उन पर रहने वाले परजीवियों में गई। अब दोस्तों ये जो परजीवी या जो शाकाहारी जीव है ये मर भी तो सकते हैं, तो फिर कौन आ जाते हैं? छोटे मोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया अपमार्जक या मृतोपजीवी कहलाते हैं और ये इनके मृत सड़े गले शरीरों को क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। ठीक है। इससे इन सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा मिलती है। अब देखिए दोस्तों आप इन शाकाहारी जीवों से जो मांसाहारी जीव है वो भी तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये मांसाहारी जीव इन शाकाहारी जीवों को नहीं खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों चाहे शाकाहारी जीव हो, चाहे परजीवी हो, चाहे अपमार्जक हो, चाहे मृतोपजीवी हो, चाहे मांसाहारी हो, सबका लास्ट में क्या हो सकता है? अपघटन हो सकता है। आई बात आपको? और यहां पर आप देखिए जैसे आप देखिए खनिज तत्व ले रहा है ये पेड़ जमीन से, तो भैया खनिज तत्व हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया, सारे के सारे ऐसे भी घटक है। जबकि दोस्तों शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पादप, परजीवी, अपमार्जक, मृतोपजीवी, अपघटक, सारे के सारे कौन हो गए? जैविक घटक हो गए दोस्तों। अब अपन देखेंगे किसके बारे में? उत्पादक या स्वपोषी के बारे में। बिल्कुल सरल है,
पारितंत्र के वे सभी पादप एवं जीवाणु सदस्य जो प्रकाश संश्लेषण या जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। भैया पेड़ पौधे ही उत्पादक नहीं होते, कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले केमिकल से रिएक्शन कर लेते हैं और उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो भैया कुछ पादप या जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे सारे पादप तो प्रकाश संश्लेषण ही करते हैं लेकिन जीवाणुओं में भैया संश्लेषण का अलग अलग टाइप है। जैसे कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, कुछ जीवाणु ऐसे जैसे सल्फर बैक्टीरिया सल्फर नाम के रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। आई बात आपको समझ में? सारे के सारे कौन कहलाते हैं? स्वपोषी उत्पादक कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता है जो पेड़ पौधे या जो जीवाणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का या रसायनों का उपयोग करते हुए अपना भोजन खुद बना सकते हैं उन्हें अपन प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। दोस्तों प्राथमिक उत्पादक कहते हैं या सिर्फ उत्पादक याद कर लेना तो भी चल जाएगा। जो कोरोमंडी नाम के जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है दोस्तों? कोरमोंडी। कोरमोंडी ने उत्पादकों की जगह परिवर्तक या पारक्रमी नाम दिया था। परिवर्तक क्या होते हैं? परिवर्तक भैया वो होते हैं जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको भैया रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा, यानी कि भैया भोजन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? भोजन में बदल देते हैं। तो भैया कोरमोंडी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, कोरमोंडी ने बताया कि उत्पादकों को अपन परिवर्तक या पारकर्मी भी कह सकते हैं क्योंकि ये सूर्य की या जो जो रासायनिक पदार्थों की जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा यानी कि भोजन में बदल देते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड में ये बदल देते हैं। तो यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? जैविक घटक के बारे में अपन देखेंगे, जैसे कि अपन देखेंगे उपभोक्ता या विषम पोषी जीवों के बारे में देखेंगे। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों से ले सकते हैं और ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे गुरु उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। अब गुरु उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार के हैं, शाकाहारी ठीक है, मांसाहारी, अभी देखते हैं आपको सब समझ में आएगा। उपभोक्ता या विषम पोषी वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित संचित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं विषम पोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। तो भैया उपभोक्ता या विषम पोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों से लेते हैं। और भैया जो ये उपभोक्ता है ये भी दो प्रकार के हैं, बड़े उपभोक्ता छोटे उपभोक्ता। बड़े उपभोक्ता में कौन हो गए? कौन हो गए भैया? खरगोश हो गया, चूहा हो गया, हिरण हो गया, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, सारे के सारे कौन है? गुरु उपभोक्ता है। लघु उपभोक्ता में कौन हो गया? कोई कवक हो गई, कोई जीवाणु हो गया, कोई छोटा मोटा और कुछ जीव हो गया, प्रोटोजोवन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ध्यानपूर्वक, उपभोक्ताओं को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, वृहद या गुरु उपभोक्ता। ठीक है, इन्हें भक्ष पोषी या जीव भक्षी भी कहते हैं। भैया गुरु उपभोक्ता क्या करते हैं? किसी पेड़ को ही खा जाते हैं या किसी जीव को खा जाते हैं। अब आप पालक को खाते हो नहीं खाते? बेचारे को पूरे को खा के भक्षण कर दिया आपने। क्या शेर खरगोश को पूरा ही नहीं खा जाता, कच्चा ही जवा जाता उसको? ठीक है, तो ये शेर ये इंसान सारे के सारे किस में आएंगे दोस्तों? वृहद या गुरु उपभोक्ता में आएंगे और ये भक्षण करते हैं, ये दूसरे जीवों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। और क्या होता है भैया, जो गुरु उपभोक्ता होता है उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें डाइजेशन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है गुरु उपभोक्ताओं में। जैसे शेर है, शेर खरगोश को खाएगा और पचाकर सरल अणुओं में तोड़ देगा। अब खरगोश के शरीर में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, शेर उसको खा जाएगा खरगोश या हिरण को, और खरगोश और हिरण से जो उसको मिला है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड उसका वो शेर के पेट में क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा और पचकर जो वो हिरण का जो शरीर है
जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड आदि से बना है वो सरल अणुओं में टूट जाएगा, वो सरल अणु शेर के पेट में अवशोषित हो जाएंगे और शेर के शरीर में ही मिल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो वृहद या गुरु उपभोक्ता या भक्ष पोषी या जीव भक्षी उपभोक्ता किसे कहते हैं? आप देखिए ध्यानपूर्वक, वृहद या गुरु उपभोक्ता या भक्ष पोषी या जीव भक्षी, देखिए वह जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि भोजन, भोजन में भी क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड को अपनी पाचन क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, वृहद उपभोक्ता या भक्ष पोषी या जीव भक्षी कहलाते हैं। जैसे कि प्रोटीन है उसको किस में बदल देंगे? ग्लूकोज में बदल देंगे। जैसे प्रोटीन है उसको किस में बदल देंगे? एमिनो अम्लों में बदल देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देंगे? ग्लूकोज में बदल देंगे। ठीक है, जो वसा है उसको किस में बदल देंगे? जीव पाचन के द्वारा ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में बदल देंगे। जीवित प्राणी एवं पौधे इनका भोजन होते हैं दोस्तों। ये जो वृहद उपभोक्ता होते हैं ना, ये किसी पेड़ को भी खा सकते हैं या किसी जीवित प्राणी को भी ये खा सकते हैं। भैया ये शाकाहारी भी हो सकते हैं जैसे कि शाक या पादप भक्षी, या ये मांसाहारी भी हो सकते हैं जैसे कि जंतु भक्षी, अथवा ये सर्वाहारी भी हो सकते हैं जैसे कि सर्वभक्षी, अर्थात सब प्रकार का भोजन ग्रहण करने वाले जीव हो सकते हैं। तो भैया गुरु उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे शाकाहारी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हिरण खरगोश। ठीक है, कुत्ता बिल्ली का नाम मैंने बोल दिया गलती से, कुत्ता बिल्ली नहीं आएगा, गाय भैंस हिरण हो गया, गाय हो गई। ठीक है, सारे के सारे शाकाहारी उपभोक्ता है दोस्तों। ठीक है, आई बात आपको समझ में? अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, वृहद उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। देखिए आप, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मेरी आप बात सुनिए, जैसे घास है, ये भैया घास लग रही है, ये क्या है? ये है उत्पादक। अब भैया इस घास को कौन खा रहा है? इस घास को कोई खा रहा है? हिरण, हिरण खा रहा है। अब बताओ ये शाकाहारी है या नहीं है? शाकाहारी तो है क्योंकि साग खा रहा है, घास खा रहा है। इसको अपन प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहले क्या खा रहा है? घास फूस ये सब कुछ खा रहा है। तो हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब भैया आप देखेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको कौन खा सकता है? द्वितीय उपभोक्ता खा सकता है। जैसे कि इस हिरण को कोई है ना भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया, भेड़िया कैसा हो गया भैया? मांसाहारी हो गया। कैसा हो गया? मांसाहारी हो गया। और इसको अपन द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं। भेड़िए को माने कि कोई शेर खा गया भैया, तो शेर कैसा होता है? ये भी मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। और ये क्या हो गया? जैसे कि अंतिम उपभोक्ता हो गया, अंतिम उपभोक्ता हो गया, या इसको शीर्ष उपभोक्ता भी कह सकते हैं क्योंकि भैया शेर को मारकर कोई भी नहीं खाता है। तो आप देखिए वृहद उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन सीधे ही किससे प्राप्त करते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसे हिरण अपना भोजन सीधे ही घास फूस हरी हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है जो अपना भोजन सीधे ही हरे पादपों या स्वपोषी से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये केवल पादप पदार्थों का ही उपभोग करते हैं। जैसे हिरण को देखो केवल क्या खाता है? घास खाता है। अनेक शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरण, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, गाय हिरण बकरी खरगोश, ठीक है, भैंस हो गई, और भी बहुत सारे उदाहरण आदि पौधों में संचित ऊर्जा के प्रथम उपभोक्ता होने से ही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। भैया सबसे पहले घास को कौन खाता है? शेर नहीं खाता, हिरण गाय भैंस और खरगोश आदि खाते हैं। तो ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता होकर ये 100% क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं दोस्तों। अब इन हिरणों को खाने वाले, इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले कौन होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता होंगे और ये मांसाहारी होते हैं दोस्तों। ये द्वितीय श्रेणी, देखिए द्वितीयक उपभोक्ता, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे कि कई कीट बकरी हिरण खरगोश आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भैया इन्हें मांसाहारी भी कहते हैं, जैसे मेंढक हो गया। अब देखो घास को कोई कीड़ा खा रहा है तो कीड़ा प्राथमिक उपभोक्ता, कीड़े को मेंढक खा गया तो मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, तो भैया देखो मेंढक हो गया। अब देखो कुत्ते का उदाहरण देता हूं, कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता कैसे हो गया? देखो घास को, घास को माना कि क्या खा रहा है? घास को कोई चूहा खा रहा है,
तो चूहा प्राथमिक उपभोग था और चूहे को पकड़ के कुत्ता खा गया। कई बार चूहों को कुत्ते भी खा जाते हैं दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखना। तो कुत्ता क्या हो गया यहाँ पर, द्वितीय को उपभोक्ता हो गया। इसी प्रकार से घास को चूहा खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा गई, तो बिल्ली भी दोस्तों द्वितीय को उपभोक्ता हो जाएगी। ये सारे मांसाहारी है, लोमड़ी हो गया दोस्तों। तृतीय को उपभोक्ता में कौन आएगा, कुछ मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं, दोस्तों जैसे कि शेर है। शेर चाहे तो हिरण को भी खा सकता है और शेर चाहे तो भेड़िए, कुत्ते, लोमड़ी किसी को भी खा सकता है। तो भैया तृतीय को उपभोक्ता में कुछ मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ताओं को खा जाते हैं या उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कुछ उपभोक्ता चरम मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं जिनको दूसरे जंतु मारकर नहीं खाते हैं, इन्हें उच्च उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं या अंतिम उपभोक्ता भी कहते हैं। जैसे गिद्ध है, गिद्ध को कोई मारकर नहीं खाता है। बाज हो गया, बाज का कोई शिकार करके नहीं खाता। शार्क है, शार्क का कोई समुद्र में शिकार करके नहीं खाता है। वो एक बात अलग है, इंसान उसको मार रहे हैं आजकल, वो अलग बात है, अपवाद है वो। मगरमच्छ का कोई शिकार करके नहीं खाता, मगरमच्छ किसी का भोजन नहीं है। किलकिला, किंगफिशर, किलकिला मतलब किंगफिशर, किंगफिशर भी क्या है दोस्तों, एक शीर्ष उपभोक्ता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, लघु उपभोक्ताओं के बारे में देखेंगे। तो भैया आप देखिए ध्यान पूर्वक, लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता, इन्हें अपघटक जीव भी कहते हैं। इस श्रेणी के सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को उनके निर्माणकारी अवयवों में विघटित कर देते हैं। अब इधर आप देखो, ये घास है भैया, घास या पेड़ है, ये है उत्पादक, समझ लो। इसको कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है। ये है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, माना कि कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। ये कौन हो गया भैया, मैं इसको शीर्ष उपभोक्ता बोल देता हूं, शीर्ष उपभोक्ता। सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये इसको छोड़कर, इसको छोड़कर ये और ये सारे के सारे क्या है, गुरु उपभोक्ता है। अब अगर भैया चाहे उत्पादक हो चाहे गुरु उपभोक्ता हो, अगर ये मर जाए, माना कि क्या हो जाए, ये मर जाए, तो इनके शरीर पर छोटे मोटे जीवाणु कवक आ जाएंगे और उनके शरीर में जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, उसको वो जीवाणु अपघटित कर देंगे और उनके शरीर में जो ऊर्जा है उसको अपने काम में ले लेंगे और शरीर में जो सरल अणु बनेंगे जटिल अणुओं के अपघटन से, उनको वापिस वातावरण में मुक्त कर देंगे। तो देखो ध्यान पूर्वक, ये सूक्ष्म जीव अपने पाचक एंजाइमों का उपयोग करके उत्पादक या उपभोक्ताओं के मृत शरीरों के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, अतः इन्हें रूपांतरक भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रूपांतरक किसे कहते हैं, तो भैया लघु उपभोक्ताओं को ही क्या बोलते हैं, रूपांतरक कहते हैं। क्योंकि इनके अंदर ऐसे, देखो मेरी बात सुनो, जैसे कोई शेर है, ठीक है, जैसे जैसे देखो ये शेर है भैया, एक शेर है, ये मर गया, क्या हो गया, ये मर गया। अब यहां पर एक कवक आ जाएगी, कवक क्या करेगी, इस पर कुछ एंजाइम डालेगी, इसकी डेड बॉडी पर क्या डालेगी, कुछ एंजाइम डालेगी, कुछ पाचक रस डालेगी, शेर का शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा और ये कवक उसके सड़े हुए घुले हुए शरीर को अवशोषित कर लेगी और अवशोषित करके सरल अणुओं में तोड़ देगी। तो बताओ, इन्होंने शरीर के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड था शेर के शरीर में, उसको बताओ सरल अणुओं में तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया, तो इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, रूपांतरक भी बोल सकते हैं, रूपांतरण कर देते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में, क्या कर देते हैं, ये रूपांतरण कर देते हैं। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म उपभोक्ता अवशोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विघटन की इस क्रिया से जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। मुख्य अपघटक जीव कौन होते हैं भैया, तो जब भी कोई गुरु उपभोक्ता मर जाता है या उत्पादक मर जाता है, मतलब जब भी कोई पेड़ मर जाता है, जब कोई शेर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली मर जाते हैं, तो उसके शरीर पर जीवाणु आ जाते हैं, कवकें आ जाती है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटिस जीव, ये भी किसके सदस्य हैं, कवक ही, ये भी एक प्रकार की, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, उसके शरीर को सड़ाते हैं और सरल अकार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं। इन्हें मृत पोषित या परासरण जीवी भी कहते हैं।
भैया जो लघु उपभोक्ता होते हैं वो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें मृत पोषित भी कह सकते हैं। और परासरण जीवी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अवशोषित कर रहे हैं मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को, इसलिए इन्हें परासरण जीवी भी कहते हैं। इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है ना दोस्तों, उसको तो ये जीव अपने काम में ले लेते हैं और जो सरल अणु बने उसे वापस वातावरण में छोड़ देते हैं और वो सरल अणु वापस उत्पादकों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे शेर को, किसी कोई शेर मर गया ग्रुप भोगता है, समझ लेना। कोई पेड़ मर गया क्या है, उत्पादक है। उन दोनों की डेड बॉडी पर कोई कवक आ जाएगी, कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, उनकी बॉडी को सड़ा देगा, सरल अणुओं में तोड़ देगा और जो ऊर्जा बनेगी उसको वो कवक वो बैक्टीरिया अपने काम में ले लेंगे और जो सरल अणु बने उसको मृदा में वापस मुक्त कर देंगे और जो दूसरे पेड़ पौधे हैं वो उन सरल अणुओं को जमीन से क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। भैया जो लघु उपभोक्ता होते हैं या जो मृत पोषी जीव होते हैं या जो परासरण जीवी जीव होते हैं या जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं या जो अपघटक जीव होते हैं, सब एक ही बात है दोस्तों, सारे के सारे पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप जो आज हमने सब कुछ पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया जीव और उसकी आवाज को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। आज हमने सभी जैविक घटकों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था उत्पादक और उपभोक्ताओं के बारे में। उत्पादक कौन हो सकते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते दूसरों से लेते हैं। उपभोक्ता भी तरह तरह के थे, जैसे कि गुरु उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता में भी शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव। लघु उपभोक्ता कौन होते हैं, जो भैया मरने का इंतजार करते हैं कि ये गुरु उपभोक्ता कब मरे और कब हम इनके शरीर को सड़ाकर अवशोषित कर ले, लघु उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आई होप जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, अजैविक घटकों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा खाद श्रृंखला के बारे में, खाद जाल के बारे में। ठीक है, और हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक स्तूप के बारे में और हम पढ़ेंगे दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में। तो आप सभी अपना ख्याल रखना और मेरा साथ देते रहना दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी साइंस की क्लासेस लेकर आता रहूंगा। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।